भैया भाजपा इतने नीच है कि इन्होंने बिहार में सुशांत की आत्महत्या के नाम पे इन्होंने वोट लेने का काम किया, तो सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। और जो इनकी गोदी मीडिया जो बिका हुए उनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा के अगर बड़े बड़े नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए तो अगले दिन आप उठ के देखोगे तो इन मीडिया वालों के मुँह से झाग निकला नजर आएगा। मैं इनको इस श्रेणी में रखता हूँ कि जिस तरह कोठे की वैश्या होती है उसका भी एक श्रेणी होता है। बहुत बढ़िया, कोठे की जो वैश्या होती है उसका भी एक श्रेणी होता है। गोदी मीडिया और कोठे की वैश्या एक ही श्रेणी में है, लेकिन फिर भी मैं कोठे की वैश्या को ज्यादा इज्जत देने का काम करूंगा, क्योंकि जो मीडिया को हमने लोकतंत्र का चौथा प्रहरी देने का, एक चौथा स्तंभ बोलने का काम करते हैं, तो सोचिए कि कोठे की वैश्या से भी गोदी मीडिया का स्तर पूरा गिर चुका है। किसका नुकसान होगा? पूंजीपति होगा और मोदी जी का नुकसान होगा। अरे यहाँ के जो कहने का काम कर रहे हैं आंदोलन से नुकसान होगा, वो एक बार हमारे बीच आके बोले कि हम खालिस्तानी और पाकिस्तानी है और आंदोलन से नुकसान होगा, हम उन्हें बताएंगे कि नफा और नुकसान किसे कहते हैं, रगड़ के भेज देंगे यहाँ से। ये किसी पे नहीं बोलेंगे, मोदी जी, नवाज शरीफ की माँ मरेगी तब मोदी जी बोलेंगे, किसान मर रहे हैं मोदी जी नहीं बोलेंगे। मोदी जी तो चाहते हैं कि किसानों का बेड़ा गर्क हो जाए, किसान खत्म हो जाए, मोदी जी तो बोलेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो देश की नागरिक है जो आज बैठ के अपने अपने घरों में टीवी पे बैठ कर सोशल मीडिया पर लिखने का काम करती है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिज्जा खा रहा है, तो नीच लोगों को ये नहीं देख रहा कि किसान ठंड में अगर पिज्जा खाने का काम करे तो गेहूं भी किसान उगाता है, और पिज्जा के साथ साथ वो ये नहीं देख रहा कि किसान ठंड में ठिठुर रहा है, प्रधानमंत्री जी हमारे घमंड में मस्त है और किसान ठंड में है। भारत की नागरिक का हाल मुर्गे की तरह हो गया है। जिस तरह आप कसाई खाने में जाएंगे और आप देखेंगे कि जिस मुर्गे की गर्दन पकड़ी जाती है कटाई के लिए, सिर्फ वही मुर्गा पक पक करने का काम करता है, बाकी मुर्गा चुप होता है, लेकिन बाद में नंबर उसका भी आता है। तो भारत की जनता जो सोच रही है कि सिर्फ आज किसानों की गर्दन पकड़ी गई है, तो आज किसानों की गर्दन पकड़ी गई है, आज किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और मजबूती से लड़ रहा है और जीत कहीं वापस जाएगा, वरना वापस नहीं जाएगा। लेकिन जो मीडिया, जो जनता जो घर में बैठी है, इनकी लड़ाई कौन लड़ने का काम करेगा? ये मोदी जी के हाथों ये भी मरने का काम करेंगे, इनकी भी गर्दन मोदी जल्द पकड़ेगा। ये चाहते हैं कि 1970 के बाद जो किसान है वो हमेशा फटे कपड़े में रहे। अरे ये वो किसान सूट बूट वाले किसान है जिन्होंने अपना आधा पेट काट के बच्चों को पढ़ाने का काम किया और विदेश भेजा, और वो बच्चा आज कमा के अपने माँ बाप का सहयोग कर रहे हैं। अब मोदी जी की तरह तो जी कोई बच्चा नहीं है जो अपने माँ को, अच्छा बताइए इससे नाजायज बात ऐसी क्या होगी जो अपनी 80 साल की माँ को अपने प्रमोशन के लिए बैंक में लगाने का काम करेगा। माँ का नाम तो लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई कितना भी नीच व्यक्ति होगा वो अपनी माँ को कभी, मैं अपनी माँ को आज तक दुकान पर नहीं जाने देता अगर मैं घर पर होता हूँ, लेकिन मैं अपनी बढ़ाई के लिए मैं अपनी 80 साल की माँ को बैंक की लाइन में लगाने का काम करेंगे। और रही बात सूट बूट की बात, तो जो जीवन भर जो भीख मांग के खाना खाया आज वो 10-10 लाख का सूट पहन रहा और जो मशरूम की खेती कर रहा, उसके बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं करता? ये तो चाहते हैं कि किसान ऐसी दबा कुचला रहे। जिस तरह बिहार के किसान का इन्होंने 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म करके इन्होंने बिहार के किसान को दबाने का काम किया, ये चाहते हैं कि हमारे देश का किसान भी, जो हमारे हरियाणा जो अभी सबसे संपन्न किसान है, हरियाणा और पंजाब का किसान जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ के किसानों की भी यही हालत हो जाए कि मोदी जी गर्दन पकड़ के चट से दबा दें और कोई चुप ना रहे, लेकिन किसान सक्षम है और हरियाणा पंजाब के किसान के साथ देश का हर किसान अपनी आवाज़ में आवाज़ मिला के इन किसानों की लड़ाई को पूरा लड़ने का काम करेगा और सरकार की छाती पर चढ़ के ये बिल वापस करने का काम करेगा। और आज हम दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं, जरूरत पड़ी तो हम संसद भवन पे जाके हल चला के संसद उखाड़ फेंक देंगे। बहुत अच्छा, भरोसा क्यों नहीं कर रहे? तो मोदी जी आके खेती क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बढ़िया बता सकते हैं, और ये मोदी जी का शब्द नहीं है, ये पूंजीपतियों का शब्द है। जिस तरीके से मैंने बताया कि लॉकडाउन में जब पूरा देश अपनी रोटी की लड़ाई लड़ रहा था, तो ये मोदी जी के जो पूंजीपति दोस्त थे, इन्होंने गौशाला बनवाने के नाम पर पहले इन्होंने गाँव वालों से, जो भी अलग अलग राज्य हैं वहाँ इन्होंने वेयर हाउस बनाया, चाहे किसानों के सामान का स्टॉक करके ये महंगे महंगे दामों बेचेंगे। और जब गांव के लोगों ने सवाल किया तो इन लोगों ने, सरकार के आदमी और पूंजीपतियों के आदमी ने बोला कि गौशाला बनवा रहे हैं हम, तो मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। अरे नरेंद्र तोमर का बयान सुनिए आप, अभी उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि भारत फूड सरप्लस देश है, मतलब भारत में कहीं भुखमरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 की जो सूची है इसमें भी भारत पाकिस्तान नेपाल और पाकिस्तान बांग्लादेश और भूटान से भी भारत भुखमरी में ज्यादा है। और कहते हैं भारत में जो तिलहन तेल है जो हमारे पकवान के लिए यूज होता है वो 30% तेल ही हमारे भारत में उपज है, वरना 70% हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। तो मोदी जी अगर सच में किसानों के लिए सोचते तो ऐसी योजना क्यों नहीं ला रहे जिससे तेल की खेती हो जिसमें किसानों की आय बढ़े।
जो सरकार जीएसटी के रूप में हमसे लेने का काम करिए, 2000 रुपए दे के सोच रहे कि किसान बिक जाएंगे। अभी इन्होंने 1800 करोड़ का किसानों को जो दाम लगाने का काम किया, किसान सम्मान निधि योजना का, जिसके तहत 16 रुपए एक दिन है, 16 रुपए में तो एक टाइम कोई खाना भी नहीं खा पाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो फर्टिलाइजर कीटनाशक दवाई है उस पर ये मोदी सरकार, सुनिए उस पर ये मोदी सरकार 18 से 28% टैक्स लेने का काम करती है किसानों से। जो खाद है उस पर 5 से 18% लेने का काम करती है, और जो ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं जो किसान यूज करते हैं, उस पर 18 से 28% लेने का काम करती है। इसके साथ साथ जो उसमें फ्यूल यूज होता है उसमें 150% के नाम से, जीएसटी के नाम से और वैट के नाम से एक्साइज ड्यूटी लगा के ये हमसे किसानों से लेने का काम करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार एमएसपी तय कर दे हमारा और ये सारे टैक्स हटा दे, मोदी जी के अकाउंट में हर किसान 2000 रुपए देने का काम करेगा, भारत सरकार की अकाउंट में हर किसान 2000 देने का काम करेगा। जी सरकार मानेगी नहीं, लेकिन किसान सरकार को मनवा के ही जाएंगे। सरकार मानने वाली नहीं है, सरकार इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के हाथों से बिक चुकी है। इस आंदोलन को देखते हुए जिस तरह किसान का बिल वापस करने का काम नहीं कर रही सरकार, तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने पूंजीपतियों से एडवांस लेने का काम कर रखा है। जब असली किसान, जब ये असली किसान नहीं है तो नरेंद्र तोमर जी और अमित शाह जी क्यों इन किसानों से बात करने का काम कर रहे हैं? ये लोग तो हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह तक को रशियन एजेंट कहने का काम किया, जिसने इस देश को अपना जीवन देने का काम किया और जो लाखों करोड़ युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। जी ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये आंदोलन कर सकते, दिल्ली तो हमें जान नहीं दे रहा, और इस FIR से हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे जब हमारे 30 से ज्यादा किसान शहीद हो गए तो ऐसे FIR से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लाखों मुकदमे हमारे ऊपर हो जाए और हमारे लाखों जवान शहीद हो जाए, लाखों किसान शहीद हो जाए, तो भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा, ये किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। जी मैं अभी यूपी में रहता हूँ, और वैसे रहने वाला मैं बिहार का हूँ जहाँ मोदी जी की सरकार है, वहाँ मैं पिछले 2 महीने से था। लेकिन जैसे ही हमने आंदोलन के बारे में सुना, मैंने बिहार के किसानों से बात करी, उन्होंने सबसे पहले हरियाणा और पंजाब के किसान का शुक्रगुजार किया कि पूरे देश के किसानों का अगर किसी ने मुद्दा उठाया है, सबसे आगे खड़े हो गए, तो हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने उठाया। और मैं बताना चाहूँगा कि यूपी का किसान, जो हमारे पूर्वांचल का किसान और बिहार का किसान है, इतना ज़्यादा दलित मतलब दबा और शोषित किसान है कि सबसे छोटी ज़मीन उनके पास है, उनके जोत की मतलब उनके पास ज़मीन नहीं है, और सरकार जिस तरीके से उनका शोषण कर रही है, कभी मुकदमे पराली के नाम पर अगर वो एक धान का वो जला देते हैं तो उनके ऊपर केस करके बाबा बंद करने का काम करते हैं। जी ये क्या अपने व्यवस्था की बात कर रहे हैं? आप जाके देखिए, आप मुरादनगर में जाके देखिए, मुजफ्फरनगर में जाके देखिए, सारे किसान यहाँ हैं, और जितने किसान हैं ये यूपी के किसान हैं। ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो बड़बोले हैं। अरे हमारे देश को आज़ादी के 70 साल बाद सबसे बड़ा बहुरूपिया प्रधानमंत्री के रूप में अभी के प्रधानमंत्री जी मिले हैं, जो राज्य देख के अपना वेश बदलने का काम करते हैं। जी देखिए ये लोग बनावटी लोग हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो गदर फिल्म में, जी जो गदर फिल्म में नलका उखाड़ के चुनाव जीतने का काम करते, और जो हेमा मालिनी जी हैं वो चुनाव जीतने के लिए खेतों में जाके गेहूं काटने का काम करती हैं। ये क्या मुखालिफत करने का काम करेंगे? अरे जो सरकार के साथ के लोग थे, आज आप बताइए, हनुमान बेनीवाल जो किसानों का नेता था, उसने इनकी पार्टी छोड़ने का काम किया, और जो जो इनके साथ है उन सबकी जनता गर्दन काटेगी वोट के माध्यम से। हमारी बात आप लिख के ले लीजिए। No!